हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून है क्योंकि दिन के 2 बजे हुए इस टाइम पे और हम लोगों ने खाना खा लिया। लगभग 1.5 या 2 घंटा हम लोगों ने लगा लिया खाना खाने में। और क्या कहते हैं, अब इसी के साथ मैं दूसरे ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ और सभी का स्वागत है द बीएन फैमिली में। अब हम जो है खाना तो खा लिया, लेकिन यहाँ पर जो है कूड़ा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फैला दिया है। मैं दिखा देता हूँ कितना कूड़ा हो गया, ये देखो ये सारा कूड़ा हो गया यहाँ पे। तो हम इस कूड़े को क्या करेंगे, क्योंकि जो प्रकृति है इसको हमें नुकसान नहीं पहुँचाना है, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, क्योंकि इसी प्रकृति से हमारा अस्तित्व बना हुआ है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाएं। किसी को प्रकृति को हम फायदा नहीं करते, हम नुकसान भी नहीं पहुँचाने का हम कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो हम इसके साथ इस कूड़े को हम एक थैली में पैक करेंगे और अपने साथ लेके जाएंगे और कहीं पे जो कूड़ादान मिलेगा हम उसमें डाल देंगे इसको, जिससे प्रकृति भी स्वस्थ रहेगी और ये कूड़ादान में जाके मैं जहाँ जाना होगा इसका वहाँ ये चले जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है मेरे साथ मेरे जवान हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं और मैं भी हूँ। तो फिलहाल मैं ब्लॉग शूट करूँगा तो थोड़ा सा हो सकता है मैं भी हाथ लगाऊंगा इस पर। और इसी के साथ जो है हम इसको सारा उठा के एक थैली में अपने साथ ले जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने खाना आना खा लिया, सबको मस्त खाना खा लिया है। तो हम लोगों ने ये जो है कूड़ा समेट लिया है और इसमें मेरे बर्तन हैं। तो मैं थोड़ा सा जो है ये साथ वाले जो बंदे हैं तो मैं इनसे थोड़ा सा प्रकृति के बारे में, इनकी क्या सोच है प्रकृति के प्रति। तो अभी मिस्टर सूरज जी हैं हमारे, तो ये बताएंगे प्रकृति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमने ये किया सही किया, वैसे सही किया है, आपका क्या मतलब सोच है इसके प्रति। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी पार्टी करें, कुछ भी करें, प्रतिकूल प्रकृति को कोई नुकसान ना हो ऐसे काम करें। और कहीं पे भी आप पार्टी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे कूड़ा करकट जो भी है वहाँ पर समेट ले, ताकि प्रकृति स्वच्छ रहे और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिल सके और हमें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। क्योंकि जो ये प्लास्टिक वगैरह होती है ये 100 साल तक इसका डिस्ट्रॉय नहीं होता किसी भी मिट्टी में, इसीलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक वगैरह जो पॉलीबैग है या ये बॉटल दे सकते हो आप इस चीज़ को, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसलिए इस चीज़ को समेट के किसी कूड़ेदान में फेंके ताकि इसका रिसाइकल हो सके और इससे प्रकृति को भी नुकसान नहीं होगा। और ताकि हमारा ये रिसाइकल अगर होगा इससे नया प्रोडक्ट बनेगा और इससे हमें भी लाभ मिलेगा और प्रकृति भी स्वच्छ रहेगी। तो दोस्तों जो है ये सूरज जी के बोल थे और जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम आप लोगों को जो है अब मिस्टर पांडे जी को पास ले जाते हैं, ये विपिन पांडे जी हैं। और पांडे जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मैटर में। सर, सूरज भाई ने हमारे बहुत अच्छी बात बोली है कि कभी भी प्रकृति को गंदा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात प्लास्टिक के लिए बोली है, प्लास्टिक तो बिल्कुल हमेशा 100 साल तक आप ऐसे पड़े रहेगा तब भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसके लिए सही बात है। कभी भी आप कहीं भी पार्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप प्लास्टिक कृपया करके जरूर कहीं ऐसे वैसे ना फेंकें, उसे अपने साथ ले जाएं, कहीं ऐसी जगह डालें जहां उसका दोबारा से रिसाइकल होकर के यूज़ में आ जाए। ऐसे कहीं भी आप ना फेंकें जिससे प्रकृति हमारी गंदी हो या आगे जाके किसी को नुकसान पहुँचाए पार्टी को। तो दोस्तों, मैं इनकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, इन्होंने भी बहुत अच्छी बातें करी है। और आप लोगों को मैं जो है हर्ष जी से के पास ले जाना चाहूँगा और हर्ष जी का क्या सोच है, वो क्या मतलब इस मैटर में कहना चाहेंगे। सर, मैं दोनों की बातों से सहमत हूँ, प्रकृति को कभी ऐसा नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए जिससे कि आप कूड़ा इधर उधर फेंके और जिससे कि प्रकृति को नुकसान हो। इसको ऐसी जगह फेंके जहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए और दोबारा रिसाइकिल हो, जिससे प्राकृतिक सदा हमेशा हरी भरी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं तीनों की बातों से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि हम लोगों को जो है ये कूड़ा करकट प्लास्टिक, खासकर प्लास्टिक, बाकी चीज़ तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो प्लास्टिक हमारी ऐसी चीज़ है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है और इस पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को कम करती है। तो हमको खासतर प्लास्टिक को फोकस करना चाहिए, इसका यूज़ पहले तो नहीं करना चाहिए। यदि यूज़ नहीं भी करते हैं हम लोग तो उससे काम नहीं चलता, यदि यूज़ करते हैं तो इसको हम कुछ ऐसी जगह रखें या फिर कुछ ऐसी इस तरीके से नष्ट करें कि जिससे प्रकृति को नुकसान नहीं हो, हमारे धरती माता को या जो यहाँ की उर्वरक शक्ति है उसको जो है नुकसान ना हो। कि हम लोगों ने जो है रख दिया ये कूड़ा इसमें है हमारा, बाकी तो मेरे बर्तन है अपने, तो हम थोड़ा भी यहाँ पे उसे आधा घंटा रेस्ट करेंगे फिर निकलते हैं आगे को, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे।
सो फ्रेंड्स, हम अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि अब टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं और हम निकलते हैं ऊपर को। पहले तो हम रोड में जाएंगे, फिर निकलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरे साथ वाले जो है इंस्टाग्राम शॉर्ट शूट कर रहे हैं, सब अपने अपने तरफ से लगे पड़े हैं, एक से एक मतलब फोटोग्राफर हैं। हालांकि मुझे तो इतनी फोटोग्राफी करनी आती नहीं है, अभी जो है उम्र में बहुत काफ़ी छोटे हैं तो ये लोगों को नॉलेज ज़्यादा है और ये कह रहे हैं हम चलते हैं। तो हम गए, चलते हैं, हम आगे मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पॉइंट पे। सो फ्रेंड्स, तो ये सारे साथ वाले कह रहे हैं कि हम ये पहाड़ी चढ़ेंगे, ये छोटा सा पहाड़ी है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, करें हम इस पर भागेंगे तो देखते हैं चार के चार हैं कहाँ तक भागेंगे। ये हर्ष बाबू हमारे पता नहीं कहाँ को देखे हुए हैं। तो दोस्तों तैयार रहो, रेडी रहो, और ये हमारे कैमरा मैन है, देखो ये DSLR लेके बैठे हुए हैं। तो हम दोस्तों भागते हैं, गो, चलो भाई पहाड़ी चलो, चलते हैं, चलो तेज तेज चलना है और बोलते रहो कुछ ना कुछ तो पता चलेगा कि सांसों की पावर कितनी है। ये हमारे ये हर्ष बाबू जो है हमारे पहाड़ चले, बहुत तेज चल रहे हैं, हम तेज चलेंगे। ये भागा हमें, भागा भैया, ये भागा बहुत तेज। ओम फोम गिरिया, ओम फोम गिरिया, अरे और ऊपर चढ़ना, भागो, ओम बहुत तेज आओ, बस घंटे आ बैक कैमरा से लोकेशन सांस फूल लिए। और वैसे यहाँ नीचे बल्दिया खान रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ का जो लोकेशन है बहुत मस्त दिख रहा है और मज़ा आ रहा है और मुझे पसीना भी हो गया, हाँ गर्मी भी लग रही है अभी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों, दिख रहा है कितना मस्त लग रहा है। इसको जानते होंगे पहाड़ियों में इसको शूट का ठीठा कहते हैं, हाँ ठीठा। तो दोस्तों देखो कितना गहरा है नीचे और बड़ा मस्त लोकेशन आ रहा है, और गलते जाते कोई खिसक गया यहाँ से तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। फ्रेंड्स ये देखो वीडियो शूट कर रहे हैं और सबके सब सांस फूल ली फिर। पांडे मेरी फोटो खींचा, पांडे फोटो खींच। सो फ्रेंड्स ये लोग सबके सब फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे, देखो ये पांडे जी और सूरज जी जो है पोज ले रहे हैं और हमारे हर्ष बाबू जो हैं मजे ले रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों बड़ा मस्त हवा आ रही है, आपको भी दिखाई देगा पत्ते हिल रहे हैं, देखो कितना तेज हवा आ रही है, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्योंकि अब ये तो यहाँ का मौसम ही है, या मानसी यहाँ का जो मौसम है वो ऐसी है, वैसे हमेशा रहता है ऐसी, बड़ा मस्त आ रहा है। वैसे कंटिन्यू कंटिन्यू लगे रहो पांडे जी, मस्त फोटो आ रही है। सो फ्रेंड्स शाम के 4 बज चुके हैं और साथ वाले अभी भी फोटोग्राफी करने में लगे पड़े हैं, देखो सब ने अपने अपने एंगल पकड़ के रखी हुई है और ठंडी ठंडी हवा आ रहा, मस्त व्यू आ रहा और देखो दोस्तों कितना बढ़िया मज़ा आ रहा, देखो ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बहुत सुकून मिल रहा है कसम से, जिंदगी का ये सुकून ना बहुत अच्छा है, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है तो जिंदगी में थोड़ा सा मौज भी करनी चाहिए, क्योंकि हम 7 डे तो लगभग 6 डे जो प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब वाले जॉब पे रहते हैं, वैसे देखो कितना मस्त आ रहा है, मज़ा आ रहा है, आनंद आया। और ये लोग तो अभी फोटो खींचने में लगे पड़े, कोई DSLR से खींच रहा, कोई मोबाइल से खींच रहा, इंजॉय करना चाहिए, अच्छी बात है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कि कितना मस्त आ रहा है।
तो दोस्तों ये वीडियोग्राफी के चक्कर से बहुत बड़ा पोपट हो गया है और ये ऊपर चढ़ के जो है फोटो खींच रहा था और जूता फिसल गया मेरा और नीचे आ गया, मुंह के बल गिर गया और देखो यहाँ पे कट चुका है मेरा। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो हाथ भी कट गया वैसे और दूसरा हाथ भी छिला हुआ है। तो अब इसमें क्या कहेंगे, गलती किसकी है? तो भाई साहब या भाई लोगों या दोस्तों, गलती मेरी भी मेरी है फिलहाल, क्योंकि मैंने जो है 43 की ईयर में जो है कुछ ज़्यादा स्टंट करने की कोशिश करी थी और स्टंट में मैंने फ़ोटो खींचने की कोशिश करी थी। हो सकते फोटो क्लिक करी होगी लोगों ने, मैं आप लोगों को शेयर करूँगा कौन सी फ़ोटो खींच रहा था। उस चक्कर में वो पत्थर पैर के नीचे आ गया और फिसल गया, लुढ़क गया। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ से निकलते हैं घर को और अब बहुत हो गया है और जोश भी उतर चुका है इसी के साथ। तो दोस्तों फिर हम निकलते हैं हल्द्वानी को, फिर मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हम इसी के साथ जो है अभी रानी बाग पहुँच चुके हैं, कुछ ही समय में हम हल्द्वानी पहुँच जाएंगे। तो ये थोड़ा सा पोपट तो हो गया मेरे साथ, ये वैसे एक्चुअली जो है शॉर्ट बना रहे थे और फोटो भी किधर स्टंट कर रहा था मैं, तो कई टैग लिए थे तो फाइनली पैर फिसल गया मेरा। तो कोई नहीं, लगती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो हम पांडे जी से पूछेंगे कि कितना मजा आया। पांडे जी बताएंगे जरा शॉर्ट कौन ले रहा था वो? उससे मजा आया, बहुत मजा आया बस, लेकिन हमारा जो एक पोपट सबसे पहले होगा तो वो नहीं होता तो और मजा आता। और हमारे सूरज जी बताएंगे कितना मजा आया। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने सभी के साथ, बहुत मजा आया और फर्स्ट टाइम हम सब एक साथ जा रहे हैं और मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आया सभी एक साथ। तो ये और हम सर के साथ जो घटना घट गई, हमारे साथ पहली बार आए तो पहली बार घटना घट गई है, पहली बार ही घटना। चलो खैर कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी चोटें होती रहती हैं, कोई लग गई वैसे कोई आँख बच गई मेरा। तो ये जो स्टंट हुआ था ये शूट नहीं हो पाया था क्योंकि इस टाइम फोटो खींच रहे थे तो पता चलता है गिरा कैसी था और लगी कैसी थी। चलो खैर कोई नहीं, मिलते हैं आपको आगे। अब पहुँच चुके हैं मेडिकल पे, छोटा सा क्लिनिक है तो मैं यहाँ पर जो अभी थोड़ा ट्रीटमेंट लेता हूँ और टिटनेस की सुई लगा लेता हूँ। वैसे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है तो फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं। तो पहले मैं ट्रीटमेंट लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। सो फ्रेंड ट्रीटमेंट भी कर दिया, पट्टी वट्टी धान लग गई और अब मुश्किल से 1 किलोमीटर रह गया, अब घर पहुँचने वाले हैं हम लोग और ये लोग चले जाएंगे अब रुद्रपुर को और गाड़ी भी ले गया, पट्टी वट्टी सब हो गई। तो दोस्तों मैं इसी के साथ ब्लॉग को एंड करता हूँ और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और फॉरवर्ड करना और प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे लेवल पे हैं तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है। तो आप जितना प्यार देंगे और जितना साथ देंगे तो आगे बढ़ेंगे हम, धीरे धीरे छोटे क्रिएटर सारे बढ़ते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, दर्द के साथ बाय बाय।